क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही जो स्मार्ट वॉचेस है वो अंडर 2000 में आती है और दोस्तों दोनों में ही हमें टेम्परेचर मॉनिटर का सपोर्ट जो है वो नहीं मिलता है, तो देखते हैं अभी कि कौन सी स्मार्ट वॉच जो है वो बेटर होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पर हमें दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में 1.69 इंचेस का डिस्प्ले जो है वो देखने को मिलेगा और दोनों में ही हमें आउटडोर विजिबिलिटी जो है वो काफी बढ़िया देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बोट वॉच वेव लाइट में हमें आउटडोर विजिबिलिटी जो है वो काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है क्योंकि यहाँ पे 500 निट्स का पीक ब्राइटनेस जो है वो मिलने वाला है और दोस्तों दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में हमें रेस टू वेक का रिस्पॉन्स जो है वो काफी प्रॉम्प्ट देखने को मिल जाता है। अभी बात करते हैं बिल्ट और डिजाइन की, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्स की, तो यहाँ पे हमें मेटेलिक फ्रेम जो है वो देखने को मिल जाएगी, रबरी स्ट्रैप्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, मेटेलिक बकल यहाँ पे दिया गया है और ये जो स्ट्रैप्स है वो रिप्लेसेबल स्ट्रैप्स होने वाले हैं। बैक साइड की अगर बात करूँ तो पॉलीकार्बोनेट की बॉडी जो है हमें देखने को मिल जाएगी और उसी के साथ यहाँ पे आपको सेंसर जो है वो देखने को मिलेंगे और ऊपर की साइड यहाँ पे हमें चार्जिंग पॉइंट जो है देखने को मिल जाएंगे। अभी बात करते हैं बोट वॉच वेव लाइट की, तो दोस्तों यहां पर हमें मेटेलिक फ्रेम यहां पर भी देखने को मिल जाती है, यहां पे हमें सॉफ्ट सिलिकॉन स्ट्रैप जो है वो देखने को मिलेंगे, मेटेलिक बकल यहां पे दिया गया है और ये जो स्ट्रैप्स है वो भी रिप्लेसेबल होने वाले हैं। बैक साइड की बॉडी की अगर बात करूं तो यहां पे हमें पॉलीकार्बोनेट की बॉडी जो है वो देखने को मिल जाएगी, यहां पे सेंसर प्रेजेंट है और साथ ही साथ ऊपर के साइड यहां पे हमें चार्जिंग पॉइंट जो है वो देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहां पे मैं आपको बता देना चाहूंगा कि बोट वॉच वेव लाइट में आपको बिल्ट और डिजाइन जो है वो काफी बढ़िया देखने को मिलती है। जी हां दोस्तों, काफी प्रीमियम फील होता है। तो दोस्तों अभी देखते हैं दोनों ही स्मार्ट वॉचेस के मेन्यू, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्स की, तो एमरेन के मेन्यू की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स मोड, स्लीप मॉनिटरिंग, मेजर हार्ट रेट, एक्सरसाइज, मेजर ब्लड प्रेशर, SPO2, वेदर, शटर, प्लेयर, ब्रीथ मोड यहाँ पे दिया गया है, स्टॉप वॉच, अलार्म, काउंट डाउन, फ्लैश लाइट और सेटिंग के ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अभी देखते हैं बोट वॉच वेव लाइट का मेन्यू, बोट वेव लाइट के मेन्यू की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें स्पोर्ट्स मोड, ब्रीथ मोड, कैमरा शटर, SPO2, स्टॉप वॉच, फाइंड माई फोन, स्क्रीन टाइम आउट, वॉच फेस, रीसेट, पावर ऑफ, डाउनलोड ऐप, टाइमर और मोर के ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियरली बता देना चाहूंगा कि मुझे UI जो है वो बोट वॉच वेव लाइट का बहुत पसंद आया, लेकिन दोस्तों एमरेन फ्यूचर फ्लेक्स का भी UI जो है वो काफी बढ़िया है। अभी बात करते हैं हेल्थ फीचर्स की, तो दोस्तों बोट वॉच वेव लाइट में हमारी हार्ट रेट मॉनिटरिंग की जाएगी, SPO2 मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग, साथ ही साथ यहाँ पे ब्रीथ मोड भी दिया गया है। अभी देखते हैं इसकी एक्यूरेसी कैसे है। हार्ट रेट मॉनिटरिंग की अगर बात करूँ तो 2 से 3 रीडिंग्स का डिफरेंस आ रहा था, वही दोस्तों SPO2 मॉनिटरिंग में यहाँ पे हमें 1 ही रीडिंग का डिफरेंस जो है वो आ रहा था। और दोस्तों यहाँ पे एमरेन फ्यूचर फ्लेक्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पर हमारी हार्ट रेट मॉनिटरिंग की जाएगी, SPO2 मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की जाएगी, स्लीप मॉनिटरिंग, साथ ही साथ यहाँ पर भी ब्रीथ मोड जो है वो दिया गया है। अभी बात करते हैं इसकी एक्यूरेसी कैसी है। हार्ट रेट मॉनिटरिंग की अगर बात करूँ तो 1-2 रीडिंग्स का ही डिफरेंस जो है आ रहा था, SPO2 जो है वो पूरा ही मैच हो रहा था और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग में यहाँ पे टिपिकल वैल्यू जो है वही शो हो रही थी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहूंगा कि बोट वॉच वेव लाइट से एक फीचर जो है आपको इसमें ज्यादा देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलने वाला है, जो कि काफी अच्छी बात है और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे एमरेन ने उसे प्रोवाइड किया है। अभी बात करते हैं स्पोर्ट्स मोड की, तो एमरेन फ्यूचर फ्लेक्स में यहाँ पे हमें 8 स्पोर्ट्स मोड जो है वो देखने को मिल जाएंगे और स्पोर्ट्स एक्यूरेसी की अगर बात करूं तो जब मैं 100 स्टेप चला तब यहाँ पे 106 का काउंट आया और जब मैं 200 स्टेप चला तब यहाँ पे 209 का स्टेप काउंट आया। वही दोस्तों बोट वॉच वेव लाइट में यहाँ पे हमें 10 स्पोर्ट्स मोड जो है वो देखने को मिल जाएंगे और इसकी एक्यूरेसी की अगर बात करूं तो जब मैं 100 स्टेप चला तब यहाँ पे एग्जैक्ट 100 स्टेप का काउंट आया और जब मैं 200 स्टेप चला तब यहाँ पे 197 का स्टेप काउंट आया। मतलब यहाँ पे दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में स्टेप काउंटिंग जो है वो एक्यूरेटली की जा रही है, लेकिन दोस्तों बोट वॉच वेव लाइट में कुछ ज्यादा ही एक्यूरेट डाटा हमें देखने को मिल जाता है। अभी बात करते हैं वाटर रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पे दोनों ही जो स्मार्ट वॉचेस है वो IP68 रेटेड वाटर रेजिस्टेंट होने वाली है। मतलब दोस्तों हम दोनों ही स्मार्ट वॉचेस को स्विमिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, ये दोनों ही जो स्मार्ट वॉचेस है वो स्प्लैश प्रूफ होने वाली है। अभी बात करते हैं बैटरी की, तो एमरेन फ्यूचर फ्लेक्स में यहाँ पे हमें 7 डेज का बैटरी बैकअप जो है मिलने वाला है, लेकिन दोस्तों अगर आप नॉर्मली यूज करते हो तो यहाँ पे आपको आराम से 3-4 दिनों का बैटरी बैकअप जो है मिलने वाला है। वही दोस्तों बोट वॉच वेव लाइट में भी आपको 7 डेज का बैटरी बैकअप जो है मिलने वाला है, लेकिन दोस्तों अगर आप कंटिन्यूस यूज करते हो तो यहाँ पर भी आपको 3-4 दिन का बैटरी बैकअप जो है मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी आते हैं फाइनल कंक्लूजन के ऊपर, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता देना चाहूंगा कि बोट वॉच वेव लाइट में आपको डिस्प्ले और बिल्ट
और डिजाइन जो है वो काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एमरेन फिटशॉट फ्लेक्स में भी डिस्प्ले वगैरह जो है वो काफी बढ़िया देखने को मिलता है, बिल्ट भी यहाँ पे काफी सही से दी गई है। लेकिन दोस्तों बोट वॉच वेव लाइट जो है वो थोड़ा प्रीमियम महसूस होता है। बट दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूंगा कि एमरेन फिटशॉट फ्लेक्स में यहाँ पे आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का सपोर्ट मिलने वाला है, जो कि आपको बोट वॉच वेव लाइट में नहीं देखने को मिलता। तो दोस्तों अगर आपका बजट 1500 तक है तो दोस्तों एमरेन फिटशॉट फ्लेक्स जो है वो बेस्ट स्मार्ट वॉच है अंडर 1500। और दोस्तों अगर आपका बजट 2000 तक है और आपको बिल्ट और डिस्प्ले वगैरह जो है वो अच्छा चाहिए तो आप जा सकते हो बोट वॉच वेव लाइट के लिए। तो दोस्तों आप कौन सी स्मार्ट वॉच परचेस करना चाहोगे आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो। तो बस दोस्तों यही था आज के वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय बाय, दिस इज अजय शिंदे ओवर एंड आउट।